ऐसे गर्मी में दाल तैयार किया जाता है और इसमें चावल दाल रोटी यानी काफी ऊंचाई के हिसाब से, तो इसका भी कह रहा है आपको इतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक दाल हमने आपको खाने के लिए साथ ही कह रहा था, बाकी को ऐसा कर दो। देखिए ये आपको 60 फीट से भी ज्यादा है, 60 फीट 2 इंच यानी 86 इंच है, जिसके ऊपर 1 फीट का बीम आएगा 9 फीट 2 इंच हो जाएगा। ये 9 फीट 2 इंच यानी ये सालन जमीन में चल रहा है और ये हमारा डबल चालक तैयार हो रहा है। तैयार तो नहीं हुआ क्या हो रहा है आगे आगे बताते हैं। चाला है हमारा, देख सकते हैं ये चाला हमारा ओके हो गया, ये मतलब हमारा चाला तैयार हो गया। दूसरी चीज की आप जाल देख सकते हैं कि चारों तरफ से जमीन से हट के जाल, और इसमें कोई भी पत्थर का उपयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी पत्थर नहीं डाला जाएगा। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे बिल्डिंग तो क्या करते हैं, उसको पत्थर डाल देते हैं, पत्थर डालने का प्रोसेस नहीं होता है इसके अंदर। इसमें क्या है कि आप मसाला से इसको काटेंगे, इसके मसाला से काटने होगी आपका 1.5 फीट, 1.5 फीट के इसका बेस बनेगा, जमीन से 1.5 फीट के इसका बेस बनेगा, तब इसमें पत्थर डालने का कोई प्रोसेस नहीं। डायरेक्ट से क्या है कि इधर साइड से जो है सस्ते लगेगी चारों तरफ, ताकि मसाला जो है तत्व न हो मिट्टी में, और मिट्टी मिट्टी में तत्व न हो, इसके लिए चारों तरफ से इसमें अभी हमारा मलाई का उपयोग होगा। गहराई आप देख सकते हो, इसकी भी गहराई थोड़ा ज्यादा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है, क्योंकि इसकी गहराई देखते हैं आप 94 इंच है, 94 इंच है ये गहराई इसकी, 1-2 इंच कम है 8 फीट में। इसकी गहराई थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है कि जमीन बराबर नहीं है, लेवल में नहीं है, तो यहाँ पे गहराई ज्यादा आ गया, यानी 2 इंच कम है 8, यानी ये कलम हमारा इसके बाद 1 फीट का बीम आएगा, तो 9 फीट कलम ये हमारा जमीन में जा रहा है। 9 फीट के बाद इसका फिर कलम जोड़ेंगे हम, प्लेन बीम डालने के बाद तो इसको कलम जोड़ेंगे मकान के लिए। अभी हमारा 8 फीट ये हो गया और ये 9 फीट गहरा जाएगा, और ये हमारा जो है गड्ढे की गहराई, प्रत्येक गड्ढे की गहराई जो है ये देख सकते हैं आप, हमारा गड्ढे की गहराई जो है 39 इंच 40 इंच हमारे गड्ढे की गहराई, यानी 3 फीट से ऊपर है प्रत्येक गड्ढे की गहराई, और एक कालम नहीं प्रत्येक कालम आपको मिलेगा जितने गहरे हैं, समथिंग 8 फीट 9 फीट गहरा आप बीम डाल के आपको तब कालम 8.5 फीट 9 फीट आपको मिलेंगे। तो तभी भी आप बिल्डिंग बनवाइए, तो बिल्डिंग क्या है कि आपका इतने नजदीक बनाना है कि आपने आसपास बेस तैयार किया जाता है, और मेरा मानना है कि कभी भी बिल्डिंग बनवाए तो आप अगर बड़ा काम कराते हैं तो सिविल इंजीनियर से राय ले लीजिए, और मेरा भी दावा है कि कोई भी सिविल इंजीनियर जो हर काम करते हैं इसको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे चीजें हम सीख रखे हैं सिविल इंजीनियर से, सरकारी बिल्डिंग के जो इंजीनियर है उन लोगों से, तो इसलिए कि हमको कभी भी पत्थर का उपयोग नहीं करते। आप पत्थर डालते हैं कभी भी इंजीनियर उस पत्थर को पास नहीं करेगा, फेल कर देगा, क्योंकि वो डालर को कमजोर करता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी काम कराएं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग देखें और इस तरीके से काम कराएं, बिल्डिंग के हिसाब से आप लोग कालम काटिंग करें, कालम का जड़ बनाए, ये मात्र 5 से 6 मंजिल का ये प्रोसेस चल रहा है। अगर आप 7 मंजिल 8 मंजिल 9 मंजिल बनाते हैं तो ये एरिया बढ़ जाएगा, ये चीज मतलब बढ़ जाएगी, कॉलम की साइज भी बढ़ जाएगा, आपका जड़ भी बढ़ जाएगा, जड़ भी ये नहीं चलेगा तब 8 मंजिल पे। उसके लिए आपको कम से कम 7 बाई 7 का गड्ढा बनाना पड़ेगा, और कॉलम के साइज कम से कम आपको 24 बाई 18 करना पड़ेगा, तब जाके आपका 7 मंजिल 8 मंजिल मकान बन सकता है। 24 बाई 18 न भी करे तो कम से कम 18 बाई 18 जरूर करे।